हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था, मैं धनुषकोड़ी में लास्ट विलेज जो गोस्ट विलेज था, उसके बाद ये मैं चल पड़ा हूँ आगे धनुषकोड़ी की तरफ। और ये देखिए, मेरे दोनों तरफ समुद्र दिख रहा है आपको, एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है देखो, और ये देखो सामने कितना क्राउड आया हुआ है, देखिए आप। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ, धनुषकोड़ी का टूर देता हूँ। ये पहुंच गए हैं हम धनुषकोड़ी। यहाँ पे अगर आप आओगे तो अपनी व्हीकल से, टैक्सी से, आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कैसे आना है आपने लास्ट वीडियो में, और यहाँ पे लोग टैक्सी से भी आ रखे हैं, अपनी व्हीकल से भी आ रखे हैं, टेम्पो भी चलते हैं। यहाँ पार्किंग लगी हुई है देखो जगह जगह। तो पहुँच गया हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको मैं। तो गाइस पहुंच गया हूँ मैं अशोक स्तंभ धनुषकोड़ी पर। ये अशोक स्तंभ पे, ये सामने देखिए यहाँ पे बना हुआ, ये लोग फोटो सेशन करा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ लोग अपना फोटो खिंचा रहे हैं। वाह जी वाह, वहाँ लोग नहा भी रहे हैं। ये लिखी हुई है वहाँ पे वार्निंग वैसे जनता के लिए कि यहाँ पे ना नहाए, पर फिर भी लोग नहा लेते हैं जिनको स्विमिंग में आती है। मल्ली वाटर दान दरवाजा था, मट्टी मल्ली गंदी नाला झंडा ऊपर का तो ऊपर है सर बॉर्डर। हां ये इंडिया बॉर्डर अच्छा दिखता होगा यहां से बॉर्डर, ये छोटा वाला पत्थर दिख रहा है। हां पहले पानी दो समुद्र मिल रहा है, पानी के आगे ऊंचा नीचा ऊंचा मिट्टी है, ये मिट्टी का अंदर रामा सेतु शुरू होता है, फिर पानी फिर मिट्टी, मिट्टी का ऊपर काला वाला झंडा, हमारा इंडिया बॉर्डर 8 किलोमीटर दूर है। ये वो लास्ट लैंड है जहां से आपको श्रीलंका दिखेगा। दिस इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इसके आगे आपको समुद्र दिखेगा, ओशन दिखेगा, कि आगे श्रीलंका दिखेगा आपको, श्रीलंका है, और यहीं पे राम सेतु भी है। तो ये दूरबीन से आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ से 8 किलोमीटर आगे, और मैंने कैमरे में लगाने की कोशिश की थी लेकिन दिख नहीं रहा। इसमें दिखेगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ रहा, नहीं है। ये 25 mm में ये 5 mm स्टार्टिंग है, पानी आ रहा है, बंगाल का पानी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे दूरबीन से दिखा रहे हैं, 20-20 रुपये पर हेड ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने देखा है अभी, और दूरबीन से दिखा रहे हैं। सामने जो देख रहे हो मिट्टी मिट्टी बड़ी बड़ी मिट्टी है, वो सब राम सेतु है। राम सेतु है, वो ब्रेक हो चुका है, किया था राम भगवान राम ने, क्योंकि विभीषण जी के कहने पे कि तोड़ दिया जाए, नहीं तो लोग आएंगे वो साइड, कोई बदला लेने ना आए रावण को, उसमें जो भी युद्ध के लिए कोई ना आए तो सेपरेट रखना चाह रहे थे वो, तो उन्होंने वहाँ से धनुष मार के बाण मार के तोड़ दिया था, इसलिए धनुषकोणी कहते हैं इसे। इस राम सेतु यहाँ से वहाँ तक है, अंदर दबा हुआ है, ठीक है, और उसके आगे दूरबीन से अगर आप देखोगे तो 8 किलोमीटर दूर जो है इंडिया का और श्रीलंका का बॉर्डर है, और वहाँ पर काला झंडा लगा हुआ है। ये यहाँ से नहीं दिखेगा, नॉर्मल कैमरे से दिखेगा, कोई हाई लेंसेज से दिखेगा, और कैच लेके आपको भी शो करूँगा, ठीक है। तो ये सामने है और मैंने आपको दिखाया था रशिया का ब्लैक सी, और ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो रशिया का ब्लैक सी देखा था आपने, तो अभी काला महासागर देखा था, और ये आपको हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो उनका संगम है वो दिखा रहा हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है चारों तरफ से, कितनी भीड़ है बताओ अभी। और सामने जो है ये मिट्टी डली हुई, जो इसके आगे है राम सेतु जो दब चुका है, दबाया हुआ, जो नासा ने भी ढूंढ लिया है सैटेलाइट से। और आप अगर देखोगे भारत के नक्शे में सैटेलाइट से, गूगल अर्थ से, तो आपको दिखेगी वो चीज़ अभी दबा हुआ, नीचे पत्थर वत्थर दिखेंगे आपको राम सेतु दबा हुआ, और यहाँ दूरबीन से आपको दिखेगा, देख सकते हो आप, जो काला झंडा यहाँ से नहीं दिख रहा उसमें दिखता है। चलिए चलते हैं आगे, आगे दिखाता हूँ वो बीच में क्या है। और भाई अगर आपका ऐसे लव और सपोर्ट रहेगा तो मैं वो जल्द ड्रोन लेके नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ड्रोन शॉट दिखाऊँगा। लोग ऐसे नहा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं देखो यहाँ पे। तो भाई इस जगह से आओगे अगर आप, तो यहाँ पत्थरों से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको, और सामने बीच में जाना है, इधर से रास्ता भी है उधर से रास्ता भी है, चलो ये चलते हैं। तो भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल धनुषकोड़ी में, ये देखो आप
आप मजा ले सकते हो। दुनिया कितनी टूटी पड़ी है देखो, भीड़ ही भीड़ है। इसके आगे ये जो बैरिकेड जो लगा रखी है, रस्सी हम खम्भे गाड़ रखे हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, यहाँ मना किया हुआ है। लोग भी खड़े हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग की, ये तारे वारे बिछा रखी हैं और लोग इस साइड ही नहा रहे हैं। बहुत लहरों का बहाव है। देखो ये सीटी भी जाके गार्ड खड़ा है जो यहाँ सबको भगा रहा है कि भाई अंदर जाओ, कहीं डूब डाब ना जाना यहाँ पे। तो देखो आया सीटी पे जाके, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है इन्जॉयमेंट के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि डूब डाब जाए, कोई मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया कहीं बह ना जाए कोई, इसलिए सिक्योरिटी भी करनी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस कैसा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और आप भी आना। और धनुष कोड़ी का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अभी आपको वो चारों तरफ दिखा रहा हूँ, ये देखो लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं। देखो टूरिस्ट वहाँ तक बसेस जो हैं वहाँ तक लेके, यहाँ से गाड़ियाँ और बसेस फैली हुई हैं अब तक। और यहाँ हैंड टू हैंड फोटो निकाल के देंगे ये प्रिंटर से, बड़ी फोटोज और पोर्ट्रेट साइज निकलवाना चाहते तो निकाल सकते हो। चार्जेस जो हैं अप डाउन होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको मैं लेके जा रहा हूँ अब उस जगह पर, सामने एक दिख रहा होगा समुद्र के बीचों बीच आप एक टापू जैसा कुछ कि जो पुल के उस पार, ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था, वो जगह आपको लेके जा रहा हूँ मैं। समुद्र के बीचों बीच है ये, उधर रामेश्वरम है लेफ्ट साइड और राइट साइड धनुषकोड़ी है। तो गाइस हम पहुंचे हैं कोदार का मंदिर जो धनुषकोड़ी से 4-5 किलोमीटर पहले है। आते हुए आप कर सकते हो, जाते हुए भी कर सकते हो, हम आते हुए कर रहे हैं। कोथंदर रामा, इस मंदिर का नाम है कोथंदर रामा मंदिर। ये मंदिर किस लिए फेमस है लिखा होगा, रामेश्वर म्यूनसिपालिटी वेलकम टू दिस पिलग्रिम एंड हेरिटेज होली पैलेस वेयर लॉर्ड रामा कंडक्टेड पथ भीष्म ऑफ विभनेश्वर फादर ऑफ किंग रावण आफ्टर द बैटल। यहाँ पे विभीषण का राज्याभिषेक किया था, मतलब उसको राजा बनाया था, ये वही जगह है। इसके बाद भगवान राम ने, दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसी तरीके वीडियो लाता रहूँगा और बहुत जल्द इंटरनेशनल ट्रैवल भी स्टार्ट होगा और आपको उसके भी वीडियो मिलेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।